नमस्ते बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? विराम चिन्ह। हिंदी का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। अच्छा, क्या कहा? विराम चिन्ह नहीं पता। चलो आज हम सीखते हैं विराम चिन्ह। तो विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है ठहराव। कहीं पे भी आप जो रुकते हो या ठहरते हो, विश्राम करते हो, तो वहाँ पे जो आपका विराम का जो अर्थ होता है वो होता है ठहराव। और विराम के साथ चिन्ह लगने से क्या हो जाता है? तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के चिन्ह लगने से जो है वो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थ में चेंज हो जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम का मतलब होता है ठहराव। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है। तो विराम चिन्ह वह होते हैं जब हम कुछ भाव प्रकट करते हैं, कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं, किसी को भी इशारा करते हैं, किसी की भी तरह अपने भाव व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए हम रुकते हैं। और रुकने के लिए जो क्या है, हम चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। और चिन्हों की सहायता से जो है हम अपने वाक्य को लिखते हैं। अगर वाक्य लिखते समय कुछ विभिन्न विभिन्न प्रकार के चिन्ह आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपको विराम चिन्ह लगाने पड़ते हैं। तो विराम चिन्ह जो है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट विराम चिन्ह आपका क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से रुकना। जैसे आप पढ़ रहे हो पूर्ण विराम, तो पूर्ण का मतलब क्या है? कि पूरी तरह से रुकना, यानी कि वाक्य पूरा हो गया है, क्या हमें रुकना है। तो पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का जो साइन होता है वो क्या होता है? ये जो कि हमें यहाँ पे लगाना है वाक्य के बिल्कुल आखिरी में। तो पूर्ण विराम होता है आपका वाक्य के शुरू से लेकर अंत तक जो वाक्य पूरा हो जाता है, तो कंप्लीट सेंस देता है, पूर्ण वाक्य है, तो वो होता है आपका पूर्ण विराम। तो वहां पे आप क्या चिन्ह लगाओगे? ये वाला चिन्ह लगाएंगे जब आपका वाक्य पूरा हो जाता है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो वाक्य आपका पूरा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम चिन्ह। तो ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा विराम चिन्ह, जो कि है आपका अल्प विराम। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे आप? अल्प विराम। अल्प, अल्प का मतलब पहले आपको मैं बता दूं कि अल्प का मतलब होता है थोड़ा। जब हम वाक्य को लिखते हैं या उसको पढ़ते हैं, तो उसमें जो हम थोड़ी थोड़ी जगह वहां पे हमें रुकना होता है, तो थोड़ी जगह के लिए जो रुकते हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग। अल्प विराम है आपका थोड़ा टाइम के लिए जब हम वहां पे रुकते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है गीता, बबीता और नेहा खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं, तो देखिए हम वाक्य को पढ़ते हुए गीता पे रुक रहे हैं, फिर बबीता, फिर नेहा। तो ऐसे ही वाक्य पढ़ते हुए जब हम थोड़ी थोड़ी जगह पर रुकते हैं, तो वहां पे हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ये वाला। इसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है, जब हम थोड़ी थोड़ी जगह रुकते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक विराम। तो प्रश्न विराम का जो आपका चिन्ह होता है वो क्या होता है? ये प्रश्न विराम चिन्ह को हम कैसे पढ़ते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो प्रश्न विराम हम जो है वो ज्यादातर जो है क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जब हमें किसी से कुछ पूछना होता है, किसी को कुछ बताना होता है, किसी से कुछ मतलब बता के उससे क्वेश्चन दोबारा पूछना होता है, तो वहां पे हम कौन सा चिन्ह यूज करते हो? जैसे तुम कहाँ जा रहे हो,
तुम कहाँ जा रहे हो। तो प्रश्न विराम जो चीज है वो हम कहाँ पे लगाते हैं, जब हमें किसी से कुछ पूछना हो और पूछने के तुरंत जो हमें जवाब है लेना हो तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे प्रश्न विराम चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब हम आपको जो ये पांचों विराम चिन्ह जो समझ आए होंगे। थैंक यू।